सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात देहू रोड कॅन्टोनमेंट बोर्डामधील नागरिक आता आंदोलन उभारणार आहेत. न्यायालयानं गेल्या सप्टेंबर 2016 मध्ये पंचमढी मध्य प्रदेश कॅन्टोनमेंटशी संबंधित एका खटल्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयात संरक्षण विभागाच्या आणि सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांची नावं कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या मतदार यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रारूप मतदार यादीतील 9,260 मतदार कमी झाले आहेत आणि याच निर्णयाविरोधात आता नागरिक आंदोलन करणार आहेत. मतदारांची नावं मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी जन आंदोलन तसेच कायदेशीर लढा उभारावा लागणार असल्याची माहिती तसेच संविधानानं दिलेल्या मतदाराला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात लढा उभारून न्याय मिळवण्यासाठी रविवारी बाजारपेठ बंद ठेवून आंदोलन केलं जाणार आहे. व्यापारी तसेच सर्व नागरिकांनी या जन आंदोलन लढ्यात सहभागी होऊन पाठबळ देण्याचं आवाहन माजी कॅन्टोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष अमीन शेख यांनी दिली आहे. या लढ्यात बोंबाबोंब बांगडी फोड अशा विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून निषेध नोंदवला जाणार आहे. दरम्यान या आंदोलनाचे प्रमुख मार्गदर्शक माजी नगरसेवक अमीन शेख यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी अनिस शेख यांनी. आपण पाहूयात. सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्यामुळे जवळपास 9,000 नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली आहे. एकूणच या संपूर्ण प्रक्रियेवर न्यायालयीन लढा उभारणार आहेत अमीन शेख. सध्या मोर्चेबांधणी, कोपरा सभा अशा अनेक माध्यमातून नागरिकांना जागरूक करण्याचं काम करत आहेत. त्यांच्याकडनं आपण सांगून घ्या कशा प्रकारे हा न्यायालयाच्या विरोधात जो लढा लढणार आहे, काय सांगाल, काय हा लढ्याचं स्वरूप असणार आहे? सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था आउट ऑफ महाराष्ट्र के कोई यूपी मध्य प्रदेश के कोई कैंटोनमेंट में लागू था. उन्होंने ये निर्णय दिया था कि कैंटोनमेंट बोर्ड में जिन्होंने अतिक्रम किया है उनका मतदार यादी से नाम कट करो. वो कैंटोनमेंट का अलग अलग कैंटोनमेंट के मध्य थे. जब धरोड कैंटोनमेंट बोर्ड में आया तो हमारे जो मेंबरों ने बिना पढ़े बिना अभ्यास किया इतना बड़ा निर्णय 5 मिनट में ख़त्म कर दिया. इनको ऐसा लगता था कि इंक्रोचमेंट के बारे में हम कुछ बोले तो हमारा मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगा. इनकी ये गलती की वजह से सारे पब्लिक की जो लोगों के जो घर टूटने के नौबत आ गई इनकी. मैं ये बोलता हूँ कि जो उन्होंने जो बाज़ार तोड़ने का जो निर्णय लिया बाज़ार जो बाज़ार के विषय में बेकायदेशीर, ये बाज़ार हमारा बेकायदेशीर नहीं है. ये कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना होने से पहला एमओ लैंड ने बाजार के लोगों को इश्तेहार दे के जिनको घर चाहिए, जब जैसे कि रेलवे स्टेशन बना तो उन्होंने ये सोचा मिलिट्री ने कि यहाँ पर एक गांव होना चाहिए. तो उन्होंने लोगों को बुलाया और उन्होंने लोगों को बोल के इश्तेहार में दे के आओ जिसको यहाँ पर घर बनाना है दुकान बनाना रह सकते. उस टाइम के व्यापारियों ने बाज़ार में दुकानें ली, घर लिए और बाज़ार स्थापना हो गया. ये वर्बल ग्रांड पे तोंडी जबान के ऊपर है. उसके बाद कैंटोनमेंट के जो मिलिट्री लैंड का जो टैक्स होता है कैंटोनमेंट को वो टैक्स है, फिर कैंटोनमेंट का टैक्स है, तो फिर इंक्रोचमेंट किधर है? सरकार ने जगह दिया भाड़े से और व्यापारी लोग उस पर धंधा कर रहे हैं. ये हमारे अनपढ़ों को मेंबरों को एक बोलते ना इनको एकदम अंगूठा छाप एक गैर जिम्मेदार मेंबर ने एक गलत निर्णय लिया जिनकी वजह से पूरा बाजार टूटने के कंगार पर आ गया. उसके वजह से जो गांधीनगर है गवर्नमेंट शासन क्या बोलता है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका एक कायदा है GRA जो 10 साल जो एक जगह पर रहता है. एकूणच आता या सर्व प्रक्रियेमध्ये तुमचा प्रचार चालू आहे, लोकांना तुम्ही जागृत करताय की आता तुमचं नाव काढण्यात आलं आहे, पुढे तुमची घरं तुटणार आहेत, नेमकी कॅन्टोनमेंट बोर्डाची भूमिका काय असणार आहे? कॅन्टोनमेंट की जो भूमिका है वो तो जो कायदे में जो मेंबरों ने गलती की है जो पिछले CO ने जो रिपोर्ट बनाया उसके आधार पर होएगा. अगर जो कायदे इश्यू को उन्होंने बेकायदेशीर घोषित कर दिया उस आधार पे हम खतरे की घंटी हमारे कुछ भी हो सकता है तोड़ने के हिसाब से. हम ये लड़ाई लड़के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं क्योंकि बाजार में कोई एक ही नहीं है, किसी में भी एक ही नहीं है. लोग डरे हुए, कुछ लोग आके भड़काते हैं जो नगर सेवक है वो बोलते कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा. अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऊपर से मेंबर ने बोर्ड में ठहराव किया है बेकायदेशीर है, तो बोलना है कि मामूली बात नहीं है. कभी भी कुछ भी हो सकती है, टांगती तलवार बुलडोजर के कभी ख़त्म हो सकता है. इसके वास्ते हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पब्लिक जागरूक करेंगे और व्यापारी को इकट्ठा करेंगे. अगर वो नहीं होते तो हम दिल्ली तक लड़ेंगे, नहीं तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा लॉयर दें कि हम मुझे उम्मीद है कि हम जीतेंगे पक्का. एकूणच सध्या तरी संविधानाने दिलेला जो मतदानाचा अधिकार आहे तो मात्र यावेळेस जो कॅन्टोनमेंट बोर्डातील जे अनधिकृतपणे घर बांधून राहणारे रहिवासी आहे ते मात्र या अधिकारापासून वंचित राहणार, हे मात्र नक्कीच. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजसह MK न्यूजसाठी अनिशेक देऊ.